हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी वेदा। कैसे हैं आप लोग? और आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है, हमने इकोनॉमिक्स शुरू कर दिया है। अगर इससे पहले हमने हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट कवर किया था, किसी ने वीडियो नहीं देखी तो जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करी है पूरे नोट्स के साथ, उसे डाउनलोड करके रिवाइज करें, पढ़ाई करें, अच्छे से अपनी तैयारी को करें। अब इकोनॉमिक्स जो हमने स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक्स क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जिसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नोट्स जो हैं वो अब अच्छे से अवेलेबल नहीं है कहीं पर, ना ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है। बुक्स में भी बहुत फास्ट लिखा है तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट ये टॉपिक इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, इसको हम थोड़ा तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा ये एक हमारा सब्जेक्ट ख़त्म होने में, लेकिन जब हो के आज हो जाएगा तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छे से कराया जाएगा, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, सेक्टर्स हो, या आपकी माइक्रो के कुछ टॉपिक हो, नेशनल इनकम हो, मैक्रो के टॉपिक्स हो, मार्केट कॉस्ट, रेवेन्यू, डिमांड, हर चीज़ कराई जाएगी। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, उससे जो भी आपके सवाल आए हैं एसएससी में, मैं वो भी उस चैप्टर के बाद कवर किया करूँगी साथ साथ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना बचे। क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, जिससे समझने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए उनको यही कवर किया जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स ने कहा मैम बाइलिंगुअल पढ़ाओ। देखो फ्रेंड्स, हिंदी में लिखना थोड़ा टफ हो जाता है, बट फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि डेफिनेशंस वगैरह आपको हिंदी में भी बताऊँ। बट मैं हर चीज़ आपको हिंदी में नहीं बता सकती, समय की भी कमी होती है और पीडीएफ भी नहीं बना सकती ऐसे। लेकिन जितना मैं पढ़ाऊँगी उसको हिंदी में समझाऊँगी और डेफिनेशंस हिंदी में लिख रही हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो समझें और साथ साथ नोट्स बनाएं, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि समझना है और पेपर में करना है तो समझना तो है, तो पढ़ना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और एक और चीज़, हिस्ट्री, ये जो आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी मॉर्निंग में 10 o'clock ही आया करेगी, तो 3 दिन आपकी वोकैब आएगी और 3 दिन आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास आएगी। अगर किसी दिन इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं आती तो उसकी जगह इंग्लिश ही कॉन्टीन्यूड रहेगी, लेकिन क्लास रोज़ आएगी सुबह 10 बजे। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि दिन में 3-3 वीडियोज़ बना पाऊँ, क्योंकि समय इतना नहीं होता, आप लोग भी समझते हैं, सिंगल पर्सन इतना नहीं कर पाता। तो लेकिन क्लासेस आपकी आएंगी, प्रॉमिस जैसा है कि पढ़ाना है, तो 3 दिन सुबह वोकैब आएगी और 3 दिन आपकी इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर की इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, तो क्या है आखिरकार इकोनॉमिक्स? तो अब देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है इसमें। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अर्थव्यवस्था एक वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। समझ रहे हैं आप कि इंसान, जब हम जैसे कोई पर्सन अगर अपने काम के काम कर सकें और उससे पैसे कमा सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकें, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वो है एक इकनॉमी है, देश की इकनॉमी माती है वो, अर्थव्यवस्था प्रणाली होती है वो। अब इकोनॉमिक कितने टाइप की होती है? तो दो तरह की है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो मतलब व्यापक अर्थशास्त्र। अब देखो, सूक्ष्म से क्या समझते हो? छोटा, तो जो छोटे लेवल पे हो वो माइक्रो, और मैक्रो मतलब व्यापक, जो बड़े लेवल पे हो, जैसे पूरे देश के लेवल पे हो, वो मैक्रो। इनका डिफरेंस समझा जाए, पेपर में कई बार आ जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपकी प्राइस थ्योरी पे आता है, यानी कि उसको हम आपके पैसे के ऊपर देखते हैं कैसे, जैसे जो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे हो, जब एक इंसान या छोटे से ग्रुप के ऊपर बात की जाए कि दो, या तो दो चीज़ों को लेके सारी चीज़ें समझ ली जाएँ, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देखो, इसमें माइक्रो में आई आता है, तो आई फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल माने एक पर्सन, तो यही इसी से बना। अगर एक पर्सन या छोटे ग्रुप की बात हो तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और मैक्रो में देखो ए आता है, और ए मतलब लार्ज में भी ए आता है, यानी कि जो बड़े लेवल पे हो, देश के लेवल पे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? मैक्रो में आती हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, या इकोनॉमिक्स के फादर भी इन्हें बोलते हैं, या फिर माइक्रो, दोनों ही इनको ही बोलते हैं, और वो कौन है? एडम स्मिथ है, पेपर में आता है सवाल। इन्होंने ही कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स हमारा अर्थशास्त्र क्या है? पैसे की साइंस है, तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ।
और ये छोटे ग्रुप को डील करता है, माइक्रो ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैक्रो, मैक्रो के पिता किसे माना जाता है, जॉहन कीन्स को माना जाता है। लेकिन इस टर्म को यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपका व्यापक अर्थशास्त्र जो है, इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, रगनार फ्रिश ने दिया था। तो फ्रिश साहब ने इस टर्म को सबसे पहले दिया था, लेकिन इसके फादर किसे कहा जाता है, जॉहन कीन्स को, कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। और ये मैक्रो किसके बारे में बात करता है, पूरी इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश को लेकर एक साथ जो एग्रीगेट हो, उनका जोड़ हो, जब उसको बात करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें एक चीज़ आती है, कुछ चीज़ें आती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहली आती है स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी मतलब दुर्लभता, तो कमी एक तरह से। तो वस्तु की मांग की तुलना में अगर पूर्ति की सी पूर्ति बहुत ही कम अमाउंट में हो, सीमित अमाउंट में हो, तो हम उसे बोलते हैं कि वो दुर्लभता है, यानी कि रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, कि सप्लाई की कम है और डिमांड अगर ज़्यादा है तो कमी ही होगी। अगर आपको चाहिए 10 कॉपी और अवेलेबल सिर्फ 5 है तो कमी हो गई ना, तो यही है स्कैर्सिटी यानी कि दुर्लभता। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं हमारी, तो अब हम उनको जानते हैं। पहला क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की सीमित दुर्लभता। हमारे पास जितने हमारी इच्छाएं हैं, जितनी हमारी वांट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं, तो ये है हमारी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब असीमित मानव आवश्यकताएं। मानव आवश्यकताएं तो हमेशा असीमित ही होती हैं, तो दूसरा ये है। और तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी कि वैकल्पिक प्रयोग, जैसे कि अब दूध है, दूध के इतने सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं, जैसे कि उसको पनीर में भी बनाते हैं, घी में भी बनाते हैं, दही में भी, इसलिए कमी हो जाती है। अगर किसी एक चीज़ को सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ करें तो कमी ना हो, उनको हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कमियाँ हो जाती हैं। तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताया कि क्या है हमारी आर्थिक समस्या। अब ये आते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देखो, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, केंद्रीय समस्याएं हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। क्या मतलब, क्या क्या लोगों की डिमांड है जिससे वो प्रोड्यूस करने पर उनको सेटिस्फेक्शन मिले। अगर अब हमने वो पता कर लिया, तो अब कैसे कैसे उसको हम उत्पादन करें उसका, और फिर किस किस एज ग्रुप के कैसे कैसे लोगों को टारगेट करना है। जैसे कि अगर आइसक्रीम है, ज़्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट आइसक्रीम खाते हैं ज़्यादातर, तो वो है कि उनके लिए हमें कितना प्रोड्यूस करना है। अगर मेडिसिन हैं बूढ़ों के लिए, तो वो कैसे, कितने लोग हैं और उनके लिए किस तरह से कितना कितना प्रोड्यूस करना है। तो ये सब चीज़ें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगले पे आते हैं, क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। अब अवसर लागत बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछ चुका है। क्या होता है ये, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब अवसर लागत के आए गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की का मूल्य होती है। अब जैसे कैसे, देखो अगर मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपये हैं, और आपको आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको एक टीवी भी चाहिए, आपको एक लैपटॉप भी चाहिए, पर पैसे भाई 25,000 ही है। 25,000 में देखो, अब दोनों चीज़ तो आने से रही, इतना सस्ता तो है नहीं, या तो आप लैपटॉप ही ले लोगे या आप टीवी ही ले लोगे, दोनों चीज़ें तो नहीं ले सकते। अब आपको पता है मुझे पढ़ाई करनी है, टीवी तो चलो कोई बात नहीं, मैं लैपटॉप ही ले लेता हूँ, तो आपने लैपटॉप ले लिया। लेकिन लैपटॉप लेने से आपने टीवी को जो गंवा दिया ना, तो यही इस तो इसी की जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य को, की लागत को जो आपने गवाया ना, तो यही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब आपने जिस चीज़ को लेने के लिए उस दूसरी चीज़ का त्याग किया ना, हमेशा के लिए फॉरगॉन हो गई वो। तो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन की जो कॉस्ट है, जो आपने हमेशा के लिए खो दी, वही आपकी अवसर लागत है यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आपने टीवी को छोड़ दिया, तो टीवी की जो कॉस्ट आपने छोड़ी किसके लिए, लैपटॉप के लिए, तो वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा रिपीट करूंगी। नेक्स्ट पे आते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फ्रंटियर भी बोलते हैं, एफ से फ्रंटियर या कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना कर्व। अब ये क्या होता है, देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि एक तरह का ग्राफिकली बताना, क्या बताना, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी संभावनाएं हैं कि दो गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, और जो भी हमारे पास तकनीकियां हैं उनके थ्रू,
ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल दो गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उन दोनों चीज़ों के संभावना और टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब देखिए क्या होता है इसका मतलब, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ ले रही हूँ, ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने ले रही हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ ए बी सी डी ई एफ। पहला मैं क्लॉथ ले रही हूँ, दूसरा मैं वीट ले रही हूँ, और फिर मैं एम आर टी निकाल रही हूँ। एम आर टी मैं आपको बताती हूँ अभी क्या है। पहले देखिए क्लॉथ को मैंने धीरे धीरे करके क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, और मैं वीट को क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे करके घटा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्लॉथ को ऐसे ले लूँ 0 1 2 3 4 5, और मैं वीट को यहाँ पर ऐसे ले लूँ, कैसे लूँगी आपका ये 0 तो था ही, 5 9 12 14 15, ये 15 है आपका, ये 5 है, और ये है आपका 1 2 3 4 5, ऐसे इस तरह से लिया है मैंने, और ये 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये 0 था तब ये 15 था पहला। यहाँ पर मैंने आपका क्या लिया है, यहाँ पर मैंने आपका क्लॉथ लिया यानी कि कपड़ा लिया है, और यहाँ पर मैंने आपका लिया है वीट। तो जब ये 0 था तब ये 15 था, अगली बार ये 14 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो ये यहाँ पर आया पॉइंट। उसके बाद फिर जब ये अगला 2 हुआ तो फिर ये अगला क्या हुआ, 12 हुआ, यहाँ आया पॉइंट। फिर इस तरह से आपका करते करते ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, देखिए इस तरह से जाएगा ये ग्राफ। जब ये ऐसे है तो ये इस तरह से होगा, फिर अगले बार में ये इस तरह से होगा, तो ये नीचे एक एक करके गिरता जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप वीट को जैसे जैसे गिरा रहे हैं उतना आप क्लोथ ज़्यादा लेते जा रहे हैं, तो यानी कि आप एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक चीज़ की कमी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास उतने ही संसाधन हैं, उतने ही रिसोर्सेज हैं, आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते, अगर एक में कमी करेंगे तभी दूसरे में बढ़ोतरी होगी। तो यही यही उत्पादन संभावना कर्व आपका दर्शाता है, यही वो बताता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, और ये किस तरह से, अब क्या है ये एम आर टी, देखो एम आर टी, एम आर टी क्या होता है आपका, मैंने यहाँ पे आपका बताया है भी है, मार्जिनल, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन डेफिनेशन के थ्रू भी करूँगी, लेकिन यहाँ ग्राफ में पहले समझिए कि क्या होता है एम आर टी। एम आर टी का एक फॉर्मूला होता है यूनिट सेक्रीफाइड अपॉन यूनिट गेन्ड, यानी कि हमने क्या कमी करी और बटे क्या उसकी जगह गेन किया, क्या हमें हमने अपने आप को बढ़ोतरी बढ़ाई, किस चीज़ की बढ़ोतरी बढ़ाई। तो देखिए यहाँ पर कमी किसकी करी, पहली बार में तो देखो 0 था, ये 15 था, तो यहाँ पर डैश कुछ नहीं होगा। अगली बार में देखो कमी कितनी हुई, पहले देखो कमी 15 से आया 14 यानी कि 1, और फिर रेशियो यानी कि बटे में, और ये कैसे गया 1 - 0 यानी कि 1, तो ये 1/1 रेशियो आ गया। अगली बार में क्या हुआ, 14 से 12 आया यानी कि 2 घटा और बटे रेशियो, और ये तो 2 से 1 तो 1 ही हो गया। अगली बार में ये 12 से 9 आया यानी कि 3, और ये 3 से 2 यानी कि 1, 3/1 रेशियो। अगली बार ये देखो 4, और यहाँ पर 4 से 3 यानी कि 4/1, और अगली बार ये 5 - 0 5, और 5 - 4 1। तो ये एम आर टी है आपका। एम आर टी का फॉर्मूला क्या है, यूनिट सेक्रीफाइड अपॉन यूनिट गेन, क्या हमने कमी करी और क्या हमने बढ़ाया उनका रेशियो। तो उसी रेशियो को हमने यहाँ पर इस ग्राफ में दर्शाया है, यही है आपका पीपीसी कर्व। अब इसके देखो पीपीसी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनकी क्या प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। पहली है कि पीपीसी कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है, बिल्कुल होगा, देखो नीचे की तरफ जा रहा है ना ये ग्राफ, ऐसे तो है नहीं कि ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो क्यों चलेगा, क्योंकि एक की कमी हो रही है, दूसरा बढ़ रहा है, और बढ़ने वाला जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो बिल्कुल ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होगा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि मोर ऑफ वन गुड डैट कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाई टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनादर, कि दूसरे गुड़ का हम तभी बढ़ा सकते हैं जब पहले गुड़ में थोड़ी कमी करें, तो यही इसलिए डाउनवर्ड है। दूसरा क्या है, कनकेव शेप। कनकेव शेप माने नतोदर आकार का होता है, ये मूल बिंदु से नतोदर आकार का होता है। कनकेव शेप कैसी होती है आपकी, देखो आपका फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कनकेव है, और कन्वेक्स कैसी होती है, ऐसी। तो यहाँ इसका ग्राफ कैसा है, कनकेव है, अभी ऊपर बताया क्यों है, मार्जिनल एम आर टी की वजह से है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से है। क्या, कि मोर मोर यूनिट्स ऑफ वन कम्युनिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी, मतलब पहले कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को हम घटा रहे हैं ताकि हम दूसरे यूनिट के और एक एक करके यूनिट को बढ़ा पाएँ, इसी वजह से ये कनकेव शेप होता है, न तो दर आकार का होता है मूल बिंदु से। अब एक और बात इसमें आते हैं, देखिए ऐसा है आपका पीपी ग्राफ, अगर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, आपके रिसोर्सेज अगर बढ़ते हैं तो पीपी कर्व किधर को शिफ्ट हो जाता है, राइट को शिफ्ट हो जाता है यानी कि इधर को चला जाता है, और अगर रिसोर्सेज में कमी होगी तो वो पीछे की तरफ खिसकता है यानी कि ऐसे।
तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि वो राइट में भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो आपके संसाधन है उनमें कमी या बढ़ोतरी की वजह से. अगले पे आते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सीमांत अवसर लागत. इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी. यानी कि सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय है एक वस्तु की उन इकाइयों से होता है जिन्हें दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागा जाता है. समझ रहे हैं आप कि क्या होता है ये? कि अगर आपने किसी किसी दूसरी वस्तु की एक एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ आपने करी है, पहली वाली का जो त्याग किया है, उसी को हम बोलते हैं सीमांत अवसर लागत. यानी कि MRT इज इक्वल टू यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन. ये MRT का जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से ये एक 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 कॉमोडिटी के लिए बढ़ता है और दूसरे के लिए उसको घटाते हैं, इसको मैं अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ग्राफ के साथ. लेकिन उससे पहले आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि हम ये आज का सेशन आज यहीं एंड कर रहे हैं. देखिए क्या क्या क्वेश्चन अब तक जो मैंने पढ़ाया उससे आ चुके हैं. पहला आया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के पिता कौन थे? एडम स्मिथ थे, मैंने बता दिया. प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेस, इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो किससे आती है? तो वो किससे आती है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्कैर्सिटी ऑफ गुड यानी कि गुड्स की कमी है, मोर वांट्स एंड लेस गुड्स यानी कि डिमांड ज़्यादा है और गुड्स की कमी है. तो हाँ, ये सारे ही कारण हैं इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम के, बिल्कुल हैं. अगला क्या है कि जो टर्म मार्केट है, मार्केट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? अ सेंट्रल प्लेस, एक बीच का प्लेस जहाँ पे सारी चीज़ें हो, उत्पादन भी हो, कंपटीशन भी हो, मार्केट भी हो, गुड्स भी लेने आए लोग. तो बिल्कुल मार्केट यही जगह है. कंपटीशन, सिर्फ कंपटीशन भी नहीं हो सकता. गुड्स स्टोर जहाँ पर सिर्फ गुड्स को रखा जाए ये भी नहीं होगा. शॉप्स एंड सुपर बाजार, बाजार भी नहीं होगा. अकेले अकेला ये कुछ नहीं है, पूरा सेंट्रल प्लेस है ये. तो ये इसका आंसर है. अगला था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होता है? द कॉस्ट दैट द फर्म कुड हैव इनकर्ड व्हेन अ डिफरेंट टेक्निक वाज अडॉप्टेड. अब ये कह रहा है कि कब फर्म को जब इनकर करे एक डिफरेंट टेक्निक, तो डिफरेंट टेक्निक तो नहीं करेगी. मैंने क्या कहा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो उस चीज़ का बेस्ट अल्टरनेटिव है. आप लैपटॉप लेने गए, टीवी लेने गए, लेकिन आपके पास जितने पैसे थे आपने टीवी को गवा के लैपटॉप ले लिया. तो ये आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो आपने टीवी को गवा के लैपटॉप को लिया. तो इसमें देखिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कहाँ दिख रहा है? चौथे ऑप्शन में, यही आंसर है. इसका तीसरा पार्ट क्या था? एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगा. एक्चुअल कॉस्ट तो है लेकिन आपने इसमें किसी की कमी नहीं करी, तो ये नहीं होगा. और तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या था? द कॉस्ट दैट फर्म हैव अकर्ड अंडर अ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन की तो बात ही नहीं होगी, प्रोडक्शन का मेथड नहीं है ये. आपने कम एक चीज़ को छोड़ा है दूसरी चीज़ को लेने के लिए, तो ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ही है. तो ये इसका आंसर था. तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज का सेशन यहीं तक करती हूँ. अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताएं, आपको अच्छा लग रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे. तो प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है. तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय.